आज की ब्लॉक स्टार्टिंग ना फिर से हो रही है मॉर्निंग से। अभी मॉर्निंग के बज रखे हैं 9, तो इसी के साथ स्टार्ट कर देते हैं आज का ब्लॉग। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, पहला घर प्रणाम, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी। ब्लॉक स्टार्टिंग तो वैसे मॉर्निंग से ही हो रही है, मैंने बता दिया। तो अभी बच्चे वगैरह चले गए हैं स्कूल और स्वामी जी भी चले गए थे, अब उनके आने का टाइम हो गया है। नाश्ता मेरा बन गया था, इसके पापा तो कभी कभी वैसे खा के जाते हैं, बट आज नहीं खाया। तो रोटी सब्जी मैंने उनके लिए रख रखी है, मैंने नाश्ता कर लिया। आज के मौसम की बात की जाए तो ना, कल तो दिन भर ऐसा ही था, बारिश धूप। कल बहुत ज़्यादा ठंडा था, बट आज देखा जाए तो आज लगा हुआ है कोहरा। मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा था, बट अभी हल्का हल्का हो गया, हल्की हल्की धूप भी आ ही रही है। अभी पूरी आई नहीं है, पता नहीं कब तक आएगी, कोई पता नहीं है। तो जानवर मैंने सवेरे बाहर बांध दिए थे, मौसम मतलब उतनी ठंड हो नहीं रही है, कोहरा लगा हुआ है पर ठंड नहीं है। जानवर मैंने बाहर बांध दिए, एक बार कुट्टी डाल के दोबारा मैंने इनको परार डाल दिया, क्योंकि कल मैं घास गई नहीं थी, मैंने बरसम काटी। देखो अभी थोड़ी थोड़ी धूप आ जाएगी तो शायद से हम लोग घास जाएँ, क्योंकि आज 2-3 दिन से मैं घास गई नहीं हूँ। आज सोच रही हूँ अगर धूप आएगी तो अगर जाएंगे तो साथ वाले फिर से घास जाऊँ, क्योंकि हम लोगों का काम ही क्या है, घास की टेंशन ना बहुत ज़्यादा होती है। घास और एक सब्जी की, दो चीज़ की टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है कि हाँ सुबह क्या सब्ज़ी बनाओ, बच्चों के लिए नाश्ता क्या बनाओ, मतलब इन्हीं चीज़ों में ध्यान लगे रहता है कि अभी क्या काम करना है। वैसे लगभग मैंने पता है बच्चों के जाने तक, बच्चे मेरे 8 बजे आते हैं, मेरा 8:30 तक टोटल काम ख़त्म हो जाता है, खाना पीना बर्तन जानवरों का सब हो जाता है। उसके बाद जो हल्का फुल्का काम बचे रहता है वो करती हूँ। स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म धोनी थी, बट मैं सोच रही हूँ अगर मौसम खुलेगा नहीं तो सूखेंगे नहीं करके मैं अभी नहीं धो रही हूँ। थोड़ा दिन में अगर धूप तक आ जाएगी तो फिर आज दिन में धो दूँगी, कल तक सूख जाएंगे। अभी ठंड भी लग रही है ना, कपड़े धोने का मन नहीं कर रहा है मेरा वैसे, इसलिए। तो अब क्या है, गेहूँ में ना हल्की हल्की बालियाँ आने लग गई हैं, लगभग सभी गेहूँ की आई गई हैं, आ रही गेहूँ में। अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं, गेहूँ हो जाएंगे, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा हम लोगों का काम, जैसे गेहूँ कटाए, क्योंकि इस बार गेहूँ से हम लोगों ने खुद ही कमाए, तो अपने आप ही गेहूँ काटने बाद नहीं, फिर उनको घर में लाना, थ्रेसर वगैरह, फिर भूसा रखना, गेहूँ रखना, फिर इसी मतलब बरसात से पहले ये लहसुन जो हम लोगों ने लगा रखे, लहसुन को निकाल के इनके गट्ठे बांध के इनको रख देंगे। प्याज तो हमने ज़्यादा बोया नहीं, प्याज वो करके फिर हम बोएंगे चरी, क्योंकि बरसात में होता है बहुत ज़्यादा घास। वैसे पहले के मुताबिक अब घास ना बहुत कम रहता है, क्योंकि सब लोग डाल देते हैं दवाइयाँ खेतों में, इस वजह से। और फिर भी हम लोग खेतों में जाना नहीं छोड़ते, हम लोग सोचते हैं कहीं से कर, दूसरों के खेतों में जाके तो हम लोगों के जानवर पलते हैं। बिल्ली अभी तक चूल्हे में बैठी थी, आग ताप रही थी, आग तो जली नहीं, पता नहीं क्या ताप रही थी। तो आसमान में आ गई अभी चमचमाती हुई धूप, और यहाँ पे स्वामी जी बिल्कुल, ये क्या है, इसका नाम बताओ, इसका नाम पता नहीं इसका नाम पता नहीं क्या है, ये यहाँ पर लेके आए हैं, पता नहीं क्या है, बट उसका नाम मुझे पता, वो चाकू है। यहाँ पे कटने लग गई है मूली, अब है मूली के अचार की तैयारी। क्यों तुम्हें पसंद आता है कि बना रहे हो? फिर जानवरों के लिए बना रहा हूँ। अच्छा, जानवरों के लिए मूली का अचार बना रहे हैं, काय के साथ खाएंगे वो है? अब रिसा गए, मतलब तुमने खुद को जानवर कह दिया आज, बहुत बड़ी बात कह दी गाय जी ने आज। तो फाइनली यहाँ पे मूली जो है काट कर सुखा दी है, और इसका बनेगा अचार। और अभी धूप ना बहुत ही ज़बरदस्त आ गई है, ये देखो। फाइनली गाइस खाना पीना खा लिया, स्वामी जी भी स्कूल चले गए, नहा धो लिया, बच्चों के कपड़े नहीं धोंगे सोचा था, बट फिर भी धो लिए। और यहाँ पे मूली डाल दी है सुखाने के लिए। अब टाइम हो गया है छोटे वाले का आने का, उसका ही हो रहा है वेट। अभी जो है ना शाम के बज गए हैं 4, लगभग काम सब ख़त्म हो गया। आजकल अंधेरा लेट हो रहा है, जानवर थोड़ा सा लेट बांधती, नहीं तो मैं 4 बजे बांधती थी, अब मैं बांधती 4 के बाद, यानी 4:30 बजे मैं इनको बांधती हूँ। अभी वैसे आज भरी गया, आज सुबह से मतलब एक दो ही टाइम पराल खाया होगा, 2 डुक्की पराल डाली, उसके बाद कुट्टी की मैं भी घास चली गई थी, इसके वहाँ भी घास गए थे, वहाँ से बना के लाए, फिर मैंने अपना जो मैं बना के लाई थी वो मैंने दल के अभी खिला दिया। अभी है अब उसको दलना बांध के, उसको हम खिलाएंगे कल। क्या ये बाल खेसर गाई इस मेरे, ये हमारा छोटा बाबू है ये, फिर देख हाथ में लग गई मेरी, इससे लग गई हाथ में, ये तो इतना गंदा हो रहा है मैं क्या बता दूँ। ये इसकी मैम बोल रही थी ना, ऋषि बहुत क्यूट है, इसको खड़े खड़े नींद आ जाती है ना, सो तो एक बार दिखा दे सो के, हाँ ये खड़े खड़े सो जाता है गाई जी।
ये देखो, और इसके इतने खिलौनों की वो दुकान लगा रखी है इसने इधर पे, ये देखो यहाँ से लेकिन वहाँ तक अभी कितने अंदर पैक होंगे इसके खिलौने ना। गंदा हो रहा तो हल्की हल्की आवाज़ चलने लग गई ना, ठंडा ठंडा भी होने लग गया परेशान। हेलो, किसका फ़ोन आया? मानसी का। क्या कह रही है? एक मानसी वैसे फ़ोन कर देता है, काट दिया मानसी ने फ़ोन। ओहो, तो हम भी क्यों काटा? फिर तूने मानसी से बात नहीं करी? कौन सा नंबर है वो? यही वाला नानी वाले नंबर में कर। हाँ, ये नानी का नंबर कर। हेलो। हाँ मम्मी। हाँ, तो हम भी पहन लेते हैं टोपी, क्योंकि थोड़ी हवा चलने लग जाती तो मेरी हो जाती है सर दर्द। अभी जो है ना शाम को 6:30 अंधेरा हो गया, और इसको देखो क्या चाहिए, कार्टून चाहिए। पापा से बोलूँ? अभी बाहर चल रही है बात दरवाजों की, क्योंकि अब इसमें लगने वाले मतलब जाने वाले दरवाजे, मतलब 1 साल होने को है घर का काम खत्म ही नहीं हो रहा है कि करके काम बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। बोलो, ये देखो गाय जिसको ये ऐसे पगली जाता है कार्टून कार्टून करके, ये कभी ले रहे ना आप कहाँ बन रहा है खाना। तो यहाँ पे हो रही है वीडियो कॉलिंग में बात, टोटली ना आप बताया जा रहा है। अभी ना मैं हाई हूँ छत में कपड़े उठाने, क्योंकि आजकल जिस दिन से मेरे कपड़े लकड़ी वकड़ी भीगे हैं ना बाहर बारिश में, मैं इन चीज़ों को छत में रहने नहीं देती हूँ, अंधेरा होते मतलब उठा देने की ठहरी, क्या पता मौसम का कोई भरोसा नहीं है भीग जाए करके। तो हल्के हल्के कपड़े तो सूखे हैं, वैसे मोटे मोटे वाले नहीं सूखे हैं गाइस। एक छत में पहुँच गए मेरे साथ। खुशी अपने सूज देख तो बाबू सूख गए स्कूल वाले, कपड़े तो सूखे ही नहीं। आएगी क्या बारिश? नहीं आएगी शायद, चल रहने दे, कोई भरोसा नहीं है वैसे मौसम का। आप तो दिख भी नहीं रहे उसमें। कौन? मैं दिख रही हूँ, दिख तो दिख रही है पता नहीं गोर। हाय हाय, कितनी गोरी है गाय जी। तो हम चलते हैं नीचे की साइड। अभी बज गए हैं शाम के 7, खाना पीना नहीं हुआ है अभी, वैसे बन गया है बनने के लिए, तो खा नहीं रहा इसके पापा का वेट हो रहा है, क्योंकि आज फिर से बन रहा है चिकन, तो सोच रहा है सभी साथ में खाएं। इसको देखो क्या हुआ बाबू? हाँ हाँ हो रहा है, पर कोई सोएगा नहीं क्योंकि अब तक के फ़ोन में लगा था ना, वेट कर रहा है मम्मी का फ़ोन कब मिले कल के ना। इसको फ़ोन का वेट हो रहा है ना, छोटा बाबू का जिसका बर्थडे आने वाला है। इसको बर्थडे में क्या चाहिए? निमोद वाली जयपेंडर का कि जौन सा पेंडर का क्या? डिपेंडर। जा देखते हैं, मतलब कार्टून भी ना इसके क्या होंगे, गाड़ियों वाले रहते समझ में नहीं आता। और क्या थार, कौन सी वाली थार बता दी फिर एक बार, थार कौन सी वाली चाहिए? नहीं तो फोन दो ना। ये देखो ये देखो, कब दूंगी फोन? अभी कब? हाँ हेलो गाइस, किधर करो क्या दूँ चाहिए थार। तो बर्थडे की डिमांड है इसकी, इसको रिमोट कंट्रोल वाली कार, प्लेन, हेलीकॉप्टर भी नहीं, थार 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 भी रिमोट कंट्रोल चाहिए गाइज। तो जैसा कि मैंने बताया था कुछ प्रॉब्लम चल रही थी करके, तो आज टेस्ट वगैरह करने के बाद रिपोर्ट आई है, क्या बताऊँ सस्पेंस है कि क्या रखिए करके, और नेक्स्ट ब्लॉग में बनाऊंगी, तब तक ये वाला ब्लॉग एंजॉय कीजिए। तो इसी के साथ कर देते हैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मम्मी का चैनल क्या कॉल हो गए? ऑल लाइक लाइक ऑल कमेंट कमेंट, मैं कैसा लग रहा हूँ भी बता, पूछ मैं कितना लग रहा हूँ तो भी दे था। हाँ ये भी बता देना, बोल मैं क्यूट लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, पूछ तो क्यूट लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ। हाँ कमेंट कर देना, कमेंट कर देना। बाय गाइस बोल दे। बाय गाइस।